गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है और हम एक बहुत खास जगह में एक बहुत खास दोस्त के साथ, ये इंद्रजीत जो है फूड ब्लॉगर कोलकाता में, और ये चलाते हैं चैनल, उसका नाम है फूड का। तो ये और इनके दोस्त मीर हमारे भी दोस्त हैं। ये वैसी पागलपंती करते हैं जैसे हम करते हैं, लेकिन ये थोड़े सेंसिबल है, इंटेलेक्चुअल हैं, और हम क्या हैं, हम भी कुछ होंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि इंद्रजीत जी, ये फूड का क्या? ये फूड का जो अंकल होता है ना, फूड वाला अंकल, दैट इज फूड का। फूड का काका अंकल। ठीक है, तो थोड़े से बाल सफेद हुए तो योर अंकल ना हो। अरे ऐसे में फूड बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो अंकल जी हैं हमारे साथ, नाश्ता खाने आए हैं, बड़े हैं तो बिल यही भरेंगे। थैंक यू अंकल। इनफैक्ट अंकल जी ने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी कि यहाँ पे श्री हरि मिष्ठान भंडार, जो भवानीपुर के पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने है, और 1912 से ये दुकान है यहाँ पे ये जल्दी आए थे, क्योंकि इनको इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो हम खा रहे हैं कचौड़ी और हलवा, ये सुबह सुबह खत्म हो जाता है, तो इन्होंने थोड़ा जल्दी आके ये सब ले लिया। तो ऐसे दोस्त बहुत जरूरी हैं हर सिटी में। तो इंडस्ट्री वाइज दिस इंपॉर्टेंट, ये जरूरी जगह क्यों है, इधर आपने क्यों बुलाया हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सेंचुरी ओल्ड शॉप, राइट? और यहाँ पे कलकत्ता में क्या सीन है ना कि हर एक कचौड़ी के दुकान पे यू नीड टू स्टैंड आउटसाइड एंड ईट। यहाँ पे एक शराफत से बैठने के लिए बोला जाता है, एक जगह दी जाती है, चेयर, ये टेबल्स, और यहाँ का जो स्पेशलिटी है टू टाइप्स ऑफ कचौड़ी। सो वन सेल्स आउट इन द मॉर्निंग दिस कचौड़ी हलवा कॉम्बो 10 rupees, एंड अदर इज दिस कचौड़ी विद द स्वीट दाल। अच्छा, सो दिस इज नॉट अ लुच्ची, ये भी कचौड़ी है? ये भी कचौड़ी है, लेकिन बहुत कम स्टफिंग है अंदर, और दाल जो है थोड़ा मीठा सा है। तो हाउ इज द कोलकाता फूड सीन गोइंग, ब्लॉगिंग कैसा चल रहा है आपका कोलकाता में? बड़ा सही चल रहा है। सो we have taken you as an inspiration and started this thing in Calcutta, maybe in a lot of other cities. आप इनसे इंस्पायर हुए थे? हाँ, करें। आप तो बोल रहे हैं। थैंक यू। अब तो आपको लंच के भी पैसे देने पड़ेंगे अंकल जी। कोई तो आपसे इंस्पायर हुआ सकते हैं। थैंक यू। नो नो, बट दैट्स वेरी स्वीट। हाँ जी। And so we have started this channel, rather than calling the food as good or bad, we prefer to tell the stories. We believe every food has a story. हर जगह की एक कहानी होती है, हर खाने की एक कहानी होती है, और उन्हीं को बोला जाता है। जैसे कचौड़ी जो है ना, ये दाल के साथ खाया जाता है, हलवा के साथ खाया जाता है, सब्जी, आलू सब्जी, इवन वी हैव इट विद मिक्स करी एज वेल इन कलकत्ता, ऑल्सो इन लखनऊ। तो इसमें ये स्टफिंग जो है, ये किस चीज़ का है? ये दाल का है, लेकिन बहुत हल्का रहता है। बहुत हल्का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इंद्रजीत ने कही, अगर आपने मिस कर दी तो जरा ध्यान दीजिए। खाना लोग जो बनाते हैं बड़े प्यार से बनाते हैं, बड़ी मेहनत मुशक्कत से बनाते हैं, उनके खाने को इंसल्ट करने वाले आप और हम कोई नहीं होते। तो आप आइए, खाना खाइए, खाने की कहानी बताइए, और अगर बहुत ही अच्छा हो तो बोलिए, और नहीं हो तो मत बोलिए, लेकिन आना जरूरी है। जैसे बच्चे होते हैं, सबके बच्चे अपने आप को अच्छे से, अपन को अच्छे लगते हैं अपने बच्चे, तो अगर किसी के बच्चे को देख के बोलो आप, कितना बदसूरत बच्चा आपका, जी देखो बहुत ही गंदा है, नहाया भी नहीं एक महीने से, तो लोगों को बुरा लगेगा। उसी तरह से खाने के मामले में भी अच्छी बातें बोला कीजिए या मत बोला कीजिए, बुरी बातें बोलना इज वेरी रॉन्ग। हो सकता है मुझे अच्छा लगे, किसी को अच्छा ना लगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पर मैंने आपको अभी एक वीडियो देखा था, आप और मीर दोनों अपना मुगल कॉस्ट्यूम में पहन के आप लोग घूम रहे थे कोलकाता में। अरे कसम से, ये अगस्त के महीने में वो गर्मी में मुझे ऐसे घुमाया गया था, एंड दैट वाज काइंड ऑफ अ रैगिंग फॉर मी, एंड दैट वाज माय सेकंड वीडियो व्हिच वी शॉट। तो ये चलता रहेगा पीछे। अच्छा, वो जैसे मीर की जो बात हुई है, ये आरजे मीर जो है कोलकाता के बड़े फेमस आरजे हैं, और इंद्रजीत के साथ फूड का ब्लॉग करते हैं, तो वो है काम ऐसे आज मीर का? सुबह एक शो चलता है रेडियो में, तो वो तो वहीं पे अटका रहेगा दोपहर तक। अच्छा, वी एक्चुअली आस्क्ड हिम टू कम आउट, कचौड़ी उसको ही फेवरेट है, लेकिन आ नहीं पाए तो वहीं से गुड मॉर्निंग बोल रहा होगा, गुड मॉर्निंग कलकत्ता। तो मीर, यू आर मिसिंग आउट, ये तो बहुत ही अच्छा है मीर, थैंक यू। ये लेंचा जो है ना, ये एक अजीब टाइप का मीठा सा है। अच्छा। लेडीगनी टाइप का है, लेकिन लंबा बनता है, सिलिंड्रिकल, नॉट रियली वेरी स्वीट। शक्तिगढ़ बोल के एक जगह बर्धमान के पास, वहाँ का बना हुआ है। हाँ। फेमस तो कलकत्ता में यही का है। अच्छा, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे गुलाब जामुन इन्होंने लिया और खींच खींच के लेंचा बना दिया। चीज तो एक ही है, या तो गोल हो या तो लंबा हो। हाँ। बात तो बराबर है, चित्रकूट होता है स्क्वायर टाइप का, तो होता है ऐसा। ओ,
खाना है तो उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश किया जा रहा है। हर एक आदमी एक एक टाइप के अपने चैनल से एक एक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है सबके पास। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ब्लॉगिंग की बहुत एक महत्वपूर्ण जगह है इंडिया के फूड सीन में, क्योंकि अपना जो खाना है जो कहीं घूम गया था वो पिछले 10-15 साल से एक रिसर्जेंस हो रही है। और इंद्रजीत और मीर जैसे लोग और हमारे जैसे लोग आपको बहुत प्यार से आपका खाना दिखाते हैं कि ये आप ही के देश का खाना है, आप कहीं से भी हो लेकिन हो तो इंडियन। तो अगर आप अपने आप को इंडियन मानते हैं तो ये खाना भी उतना ही आपका है जितना कोलकाता में रहते हुए किसी का है। तो खाने की रिस्पेक्ट कीजिए, इंजॉय कीजिए, और जितना ज्ञान हासिल कर सके और प्यार बांट सके उतना प्यार बांटिए। तो मीर, इसके बाद क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान्स इन ब्लॉगिंग? सो वी प्लान टू गो आउटसाइड वेस्ट इंडिया, आउटसाइड वेस्ट बंगाल। तो हो सकता है लखनऊ जाएंगे बिरयानी खाने, हैदराबाद जाएंगे बिरयानी खाने, गोवा जाएंगे फेनी पीने और पोस्टल फूड खाने, कहीं तो जाएंगे। कलकत्ता का हो गया, वेस्ट बंगाल में हम लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं अभी, इंडिया में अभी घूमना बाकी है। अच्छा, बिकॉज हमारे को पता है कि मतलब कोलकाता में और वेस्ट बंगाल में हेल्दी डिबेट सबको बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा इंद्रजीत को और मीर को थोड़ा गर्म करते हैं। आपने कहा था ऑफ कैंप कहा होगा जरूर, लेकिन आपने कहा था कि इससे अच्छी कचौड़ी पूरी कोलकाता में कहीं नहीं मिलेगी, इन्होंने कहा था। अब आप देख लो, अगर आप इनसे डिसएग्री करते हैं तो इनको ना इनके ब्लॉग पे मैसेजेस डाल देना, बोलना कि नहीं यहाँ की कचौड़ी अच्छी है। और जो हेल्दी डिबेट होगा ना, हमने नहीं बोला, हम तो आगे सिर्फ हारे, आप इनसे बात करिए। पर मैं ये देख रहा हूँ हर चीज में, ये दाल स्पाइसी है लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मीठा है, थोड़ा सा मीठा बन रहा है। कचौड़ी बहुत अच्छी है लेकिन उसके साथ हलवा है, तो ये स्वीट ऑब्सेशन कोलकाता का हमेशा से है या स्वीट ऑब्सेशन? हम लोग मीठे लोग है, सो इट्स अ बैलेंस बिटवीन स्वीट एंड सेवरी। अगर एक आइटम सेवरी होगा थोड़ा सा मीठापन तो उसमें रहेगा, एंड दिस बैलेंस इज समथिंग व्हिच सेट्स मेबी बंगाल अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, राइट? सो दिस इज द बैलेंस दैट यहाँ पे है ना, दाल थोड़ा सा सेवरी है, हल्का मीठापन है, कचौड़ी हल्का सेवरी है, हलवा मीठा है, ऐसे एक यिन यंग टाइप का बैलेंस बना रहता है। मतलब मीठा थोड़ा जरूरी है, उससे लाइफ थोड़ी और मीठी हो जाती है। हाँ, ये डायलॉग बोलना जरूरी है। बिल्कुल। एक और चीज बोल रही जरूरी, देखिए जी, एक कोने में है बंगाल, यहाँ पर खाने में मीठा और तीखा, दूसरे कोने में है गुजरात, वहाँ भी तीखा और मीठा, और जब बंगाल और गुजरात के लोग मिलते हैं तो बड़ा प्यार होता है, बड़ा मीठापन फैलता है, बड़ी मिर्ची फैलती है, तो बड़ा अच्छा रहता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि आपने मतलब गुजरात की भी बात शुरू कर दी है। हाँ। तो अगर हम गुजरात जाएंगे आप क्या बोलेंगे कि आपकी वाइफ गुजरात से भी है? नहीं यार, मैं 10 बार ही बोल चुका हूँ, माई वाइफ इज अ बंगाली लेकिन वो रही बिहार में, अब उसमें क्या समझ नहीं आता है। तो इसके बाद आप हमें एडवाइस दीजिएगा और हम जाके आपको आज कोलकाता दिखाने के मूड में है तो दिखाएंगे। पार्टी इज ऑन, वेरी वेरी गुड।